आज क्या दिखा रहे हैं? Z2 आता है, लग करके देखो तो आज टोटली से Z6 का लुक दे रहे हैं। इसके अंदर हमारा ना एडजस्टिंग ना फोल्डिंग आता था, ये देखो ये अपना फोल्ड हो गया। तो ये फ्रेम आता है इसके अंदर या एडिशनल लगता है? एडिशनल लगाना पड़ता है हमें, ठीक है उसके ऊपर। लेकिन ये ग्रिल, ए लो, ये ग्रिल हमें लगानी पड़ती है। लग गया ग्रैब हैंडल, लग गया ग्रैब हैंडल्स अपने, ठीक है। तो बाकी इसमें वाइपर लग गया पीछे से, वाइपर लग गया। वो अभी डिफॉगर के लिए ग्लास चेंज करेंगे, वही 12 इंचेस वाला JBL का बूफर इंचेस। तो अभी बिफोर कंडीशन देख सकते हैं, स्टील रिम के साथ आती है। तो ये देख, ये क्रोम भी ऐड हुआ इसमें। 18 इंची आपको देने वाला हूँ ZL बिफोगर के साथ। में लग रहा है ये स्टिकर Z2 के अंदर एड्रिनॉक्स। तो ये अपना ऑटो कट वाइपर ऑन हो चुका है, ये अपना वॉशर पियानो ब्लैक OEM पार्ट टोटल स्विच के साथ है। Hi guys, welcome back to our channel. तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड चौंडोई के पास। बढ़िया, आज क्या दिखा रहे हैं? Z2 Z2 दिखा रहे हैं। और आया कहाँ से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज हम Z2 दिखा रहे हैं। टोटल कितनी आई है अपने पास? है ना, अपने पास तो Z6 आया था 6, ठीक है। एक 6 आया था, 5 Z6 जा चुका है, एक Z6 बचा हुआ है, एक Z8 है अंदर, ये Z4 है, ठीक है। Z2 दिखाता हूँ, ठीक है। Z2 दिखाते हैं, वो सबसे आगे जो मेन दिखाएंगे आज वो है Z2। तो ये कौन सा वेरिएंट है अभी? ये Z6 है। Z6 है, इसमें भी काम चल रहा है। इसमें भी काम चल रहा है, वाइजर, लोअर गार्निश, सीट कवर, मैटिंग, फॉग लाइट। ये महाराष्ट्र से आई है। अरे बोलोगे Z2 का है तो वाइपर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन डिफॉगर नहीं दिखेगा आपको, डिफॉगर नहीं दिखेगा। तो ये तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नया दिखाओ अब। जय वाइपर तो हम लगाते ही हैं, डिफॉगर भी लगना है इसमें, ठीक है। डिफॉगर दिखाएंगे आज, आज ग्लास चेंज करेंगे इसका पूरा हम। ये देख सकते हो इसके अंदर निकल रहे। तो आज जो जो इसमें चेंजेस करने वाले सबसे इसके पहले अंदर ये आता है, लग करके देखो, ठीक है। इसका जो AC है ये अपना मैट ब्लैक में आता है, ये हटा दिया हमने, लगा रहे। तो आज टोटली से Z6 का लुक दे रहे हैं हम, प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं हम, एक एक चीज पे ध्यान दिया जा रहे थे, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला हटा के हमने सिल्वर, सीधा वो निकल के एकदम लग जाता है। एक एक चीज लगाऊंगा, मतलब दूर दूर तक पता ना चले, ठीक है। जो मेन फुटर से हमारे टॉप मॉडल वाला लग गया, रूफ रेल लग गया इसके अंदर टॉप मॉडल वाला, अभी साइड ग्लाइडिंग लगना है, ठीक है। स्किड आ चुका है लगने के लिए, तो ये अपनी स्किड प्लेट, ये पेंट वाला ही होता है कोई, ये नहीं है कि Z8 में नया पार्ट आता है, पार्ट आकर के पेंट होता है Z8 में, ठीक है। पेंट करवा के रखते हैं हम पहले, ये बूथ पेंट है, ठीक है। क्वालिटी दिखा देते हैं एक बार इसकी, शाइनिंग देखो, ग्लोज देखो, स्पार्कल वाला है। इसके ऊपर हमारा क्लियर सेट, अच्छा क्लियर कोट लगता है, क्लियर कोट लगता है, ग्लॉस आ जाता है जो पेंट उड़े ना, कीचड़ में चलना होता है, पानी का प्रेशर चल होता है, सब चीज़ होता है ना, ठीक है। तो अभी दिखा देते हैं डैम्पिंग करी है इसके अंदर हम, डैम्पिंग हम दिखा देते हैं। तो ब्राजो की डैम्पिंग करी हुई है हमने इसके अंदर, ब्राजो की डैम्पिंग हो गया, और ऑडियो भी सेटअप कर रहे हैं कुछ। हाँ, इनर हैंडल हमारा चेंज हो गया है, ट्यूटर कैप लग गया, पावर बास का कंपोनेंट लग गया आगे पीछे चारों डोर में, ठीक है। तो साइड अपग्रेड भी हो रहा है इसके अंदर, साइड मिरर अपना लग चुका है। इसके अंदर हमारा ना एडजस्टिंग ना फोल्डिंग आता था, ये देखो ये अपना फोल्ड हो गया, यहाँ से एडजस्टमेंट, प्रॉपर जेन्युइन महिंद्रा के स्विच, ये देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट देखो आप, प्रॉपर वर्किंग करता है ये। सीट कवर देखो, ये सीट कवर अलग है, ठीक है। आज सीट कवर, इतने दिनों से सीट कवर दिखाए हूं, उस साइड से आता हूं, सीट कवर दिखाओ। इसके अंदर जो सीट कवर्स है आज देख सकते हैं आप, कलर सेम रहने वाला है लेकिन आज क्वालिटी काफी अच्छी है, अलग ही चीज है, ठीक है। ये अपग्रेड किया गया है, ठीक है, थोड़ी क्वालिटी में। मैं कह रहा हूँ Z8 लग्जरी में आप सीट कवर पे बैठो और इस सीट कवर पे बैठो, अगर फीलिंग उससे टॉप ना आए फिर बताना, ठीक है। तो क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, पहले की क्वालिटी से तो काफ़ी अच्छी है, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी सेंटर से सोनी का आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी स्पीकर भी लगाया गया, तो देखो आप बफल के अंदर लगाया गया। तो ये फ्रेम आता है इसके अंदर या एडिशनल लगता है? एडिशनल लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके ऊपर लेकिन ये ग्रिल, ए लो, ये ग्रिल हमें लगानी पड़ती है। तो अब लग चुकी है, काफ़ी कॉस्टली ग्रिल है ये। हाँ, 150 वाट की LED, ठीक है। इसके सनग्लास होल्डर भी इंस्टॉल करा हुआ है। तो चामुंडा भैया इसमें ओरिजिनल भी मिल जाएगा? हाँ, ओरिजिनल भी आता है, बट भैया को चाहिए था 150 वाट LED में, ठीक है। 150 वाट वाली LED वाले में रोशनी कम होता है, इनको चाहिए था रोशनी ज़्यादा, ठीक है। इन्हें लाइट सेटअप ज़्यादा चाहिए था, तो हमने ये इंस्टॉल करा, इंस्टॉल किया। ग्रैब हैंडल लग गया, ग्रैब हैंडल्स अपने लग चुके हैं फ्रंट में दोनों। हाँ, और जो पीछे हमने स्टीयरिंग कवर देख सकते हो, ड्यूल टोन में करा हुआ है, MID कंट्रोल, पियानो ब्लैक, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर आज Z2, काफ़ी चीज़ हो रहा है इसके अंदर, पूरी
तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ठीक है। बस एक पता लगेगा तो सेंटर से पता लगेगा, Z2 Z6 बना देंगे। तो एड्रेनॉक्स स्क्रीन के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे बूफर सेटअप दिखाता हूँ। बैक से दिखाते हैं, गाड़ी मुंबई से है हमारा, मुंबई से आई है, ठीक है, काफी दूर से आई है ट्रेवल करके, शिंदे जी के खास गाड़ी है, ठीक है। हाँ। तो बाकी इसमें वाइपर लग गया पीछे से, वाइपर लग गया हुआ, अभी डिफोगर, अभी डिफोगर के लिए ग्लास चेंज करेंगे हम, ग्लास चेंज करेंगे, अभी दोबारा खुलेगा, स्पॉइलर लग गया, स्पॉइलर भी लग चुका है, रिक्वेस्ट सेंसर वाला हैंडल लग चुका है, लेकिन ये वर्किंग नहीं है, बस ये इन फ्यूचर होने वाला, इन फ्यूचर होने वाला, ठीक है। तो अंदर से देखा जाए, अंदर से हमारा वही 12 इंचेस वाला JBL का वूफर, प्रॉपर डैम्पिंग के साथ करा हुआ है ये हमने, ठीक है, और पूरी गाड़ी में फ्लोरिंग करी हुई है, फ्लोरिंग कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो अब लुक निकल के आने वाला है वो बिल्कुल ही अलग है, कहीं से पहचान में नहीं आएगी, ये Z2 ही थी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि महिंद्रा कंपनी को भी, बस सनरूफ और अंदर स्क्रीन छोड़ दे, ठीक है, सनरूफ बस नहीं दिखेगी। पीछे से भी एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया, हमारे क्रोम लगा दिया, सिल्वर टचिंग कर दिया गया, और इसमें थोड़ी सी लुकिंग इनहेंस करने के लिए हमारा इसमें रिफ्लेक्टर भी लगा दिया गया, ठीक है, आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर ऐड ऑन करा हमने, और नीचे स्किड देख सकते हैं, सिल्वर स्किड हो गया अपना, क्रोम हो गया, फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ, कैमरा हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, अपना ब्लॉपंक ही करा है, हाँ, फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ, क्रोम लग गया हुआ इसमें डोर का, ठीक है, ये अपना सी गार्निश भी लग चुकी है, पेस्टिंग होती है ये वाली। तो अभी एक कंडीशन दिखाते हैं, फिर फाइनल लुक दिखाएंगे लास्ट में, अभी जो जो चीज़ें हमने कर दी है इसके अंदर। तो फ्रंट की ग्रिल भी हमने चेंज कर दी इसके अंदर, ग्लॉसी वाली, ग्लॉसी के बाद क्रोम लग गया इसके अंदर, हेडलाइट हमने टॉप मॉडल वाला इसलिए नहीं डाला, इनको हाईवे पे रोशनी ज़्यादा चाहिए, अच्छा, थे नाइट ड्राइव ज़्यादा हमारा, ठीक है, उसी से हमने पावरफुल LED सेटअप, हाँ, हमारे पास तो कई जेड वाले भाई आए जो हटवा करके वाली हेडलाइट लगवा करके फिर इसमें LED सेटअप करवाया, ठीक है, लेकिन ये वाले इसी में आप LED लगा लोगे, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी, उसमें तो इनबिल्ट LED होती है, बिल्कुल Z8 वाली में, फॉग लाइट, फॉग लैंप और सेंसर, हाँ, एक्टिवेट है, देखते एक्टिवेट करूँ या ना करूँ, ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे हम। फ्रंट की स्किड भी लगी अभी नहीं, अभी लगाया, अभी लगी नहीं, अभी ब्लैक आती है, अभी लगा सिल्वर कर देंगे, साइड मिरर कवर अभी आने वाला है, पेंट हो गया, ठीक है, ये पेंट पे गया हुआ है अभी, तो चेंज कर दिया हमने पूरा ये, और ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर वाला, पीछे के हैंडल लगना है अभी, पीछे का भी अभी लगना है, तो फाइनल जब अब तैयार, अलॉयज वगैरह, अलॉय 18 इंची, ठीक है, 18 इंचेस, तो अभी बिफोर कंडीशन देख सकते हैं, स्टील रिम के साथ आती है, अलॉय से अपग्रेड, मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगा, मैं 18 इंची MRF टायर के साथ और A1 कंचा पीस लगने वाला है, ठीक है, ये गाड़ी जब तैयार होकर निकलेगा मुंबई पहुंचेगा, जिस शोरूम से गाड़ी आया मैं गारंटी कहता हूं कि शोरूम वाले अगर ना चक्कर खा जाए फिर बोल देना कि भाई जेवटो वाला काम नकली करता है, ठीक है। तो अभी एक बार ग्लास चेंज हो जाए तब भी दिखाएंगे, हाँ, पीछे ग्लास चेंज होने देते हैं हम। फाइनली अपनी Z2 का काम टोटली कम्प्लीट हो गया, बिल्कुल 2 दिन लगा, कल आया था, ठीक है, और आज गाड़ी हमारा फाइनल हो चुका है, और गाड़ी Z2 अब बोलने में शर्म आ रहा है हमें, ठीक है, अब Z2 लग ही नहीं रही है, कई ग्राहक हमारे यहाँ पे आज काम हो रहा था इस गाड़ी को देखने आया, कह रहा भैया ये Z8 में क्या कर रहे हो आप, कह रहा भैया Z8 में क्या कर रहे हो, बोले भैया Z8 नहीं है, Z2 था पर अब है नहीं, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से क्या, सनरूफ छोड़ करके बाकी बारीकी से क्या हुआ, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है, तो देखिए आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, आज फ्रंट में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, ABS गार्ड, फ्रंट का ABS गार्ड, हाँ, लेकिन काफ़ी लगाने के बाद बल्कि बल्कि लग रही है, हाँ, थोड़ा बल्कि लुक आ गया फ्रंट से, हाँ, थोड़ी सी लुक वाइज के लिए हो गया, अपना फोगलर DRL जो सबसे पहली चॉइस होता है किसी भी गाड़ी में, Z2 Z4 Z6 उन भाइयों के लिए पहले DRL, ठीक है, DRL रिकमेंड होता है, पहली DRL लगना ही लगना होता है, एक दूसरी होता है हमारी हेडलाइट टॉप मॉडल वाली, तो हम इसमें टॉप मॉडल वाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि भैया की हाईवे की रनिंग है नाइट में ज़्यादातर, तो उसमें रोशनी हमें चाहिए होता है बिल्कुल एक क्लास, तो Z8 में इतना रिस्पांस नहीं है, नहीं रिस्पांस, बट इसके अंदर जो हमारी LED डाला है बिल्कुल हाई क्लास LED रहने वाला, मैं आपको जला करके दिखाऊंगा, 2 सेट लगी है इसके अंदर, हाँ, हमारी एक ग्रिल पियानो ब्लैक हुआ है, ठीक है, पूरी पियानो ब्लैक है, जैसे हमने पुरानी वीडियो में दिखाया था, हाँ, इधर आप दिखा सकते हो, इधर आओ, ये देखो आप, तो ये देखिए क्रोम भी ऐड हुआ है इसमें, ये हमारे 6 स्लॉट है, लोग क्या करते हैं 6 स्लॉट लगाते हैं अलग ग्रिल में और बाद में कहते हैं अपर ग्रिल की अलग है, ये 7 पीस का सेट आता है, ठीक है, हमारे पास सेट ही मिलेगा, सेट मिलेगा, साइड प्रोफाइल में अगर आप, तो फ्रंट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, अब साइड में चलते हैं, हेडलाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखो फॉग लाइट जल गया, कॉम्बिनेशन स्विच, फॉग लाइट है कॉम्बिनेशन स्विच के साथ है, तो ये अपना लो बीम है अभी और ये हाई बीम है, देख सकते हैं रिस्पॉन्स इसका,
अभी तो लाइट है इधर इतनी, तो इधर पूरे स्टेडियम लाइट के बीच में है और तब भी लेकिन इतनी ब्राइटनेस है। और साइड से देखो, दिखाओ कुछ 18 इंची आपको देने वाला हूँ, जेडेड एल ऑटो वाली फंक्शन देने वाला हूँ अलॉय व्हील के मामले में, 18 इंची विद MRF ऑल टेरेन टायर के साथ। ठीक है, तो 18 इंच के अलॉयज इंस्टॉल करें हमने, वो भी बिल्कुल, आइए और ऑफर लेकर के जाइए। ठीक है, साइड का फुटस्टेप कुछ भी कमी नहीं है इसके अंदर, और ये स्किड सिल्वर साइड वाले भी सिल्वर, स्किड सिल्वर भी है। ठीक है, फ्रंट भी करा था, बैक भी, फ्रंट भी करा था, बैक भी करा था, साइड के फुटरेस्ट भी हुआ हमारा, ये रूफ रेल भी हुआ है देख सकते हो। ठीक है, तो अपना बोल्ट सिस्टम है देख सकते हो, पूरी गाड़ी हिल गई लेकिन रूफ रेल कहीं जाएगा नहीं। चामुंडा भाई हिल गया पर वो गाड़ी रूफ रेल नहीं हिला। ठीक है, तो साइड मिरर भी अपना चेंज है। हाँ, टॉप मॉडल वाले, ये मैं बंद करके दिखाता हूँ। तो अभी अंदर से कर रहे हैं हम स्विच से बंद, तो ये फोल्ड हो गया, ये अनफोल्ड हो गया, और की से भी है। हाँ, की से भी है। अभी हमारे लॉक ऑन लॉक से है, इस गाड़ी के अंदर चाबी बनना है, जब चाबी बनेगा तो लॉक ऑन लॉक से भी हो जाएगा, एक चाबी नहीं बना बस। तो आज नहीं, कल जाएगी अब ये गाड़ी, कल जाएगी, और कल हमारा शॉप ऑफ रहता है मंडे के दिन, लड़का कोडिंग करवा करके दे देंगे। ठीक है, तो साइड में चलते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं Z2 के अंदर, डोर हैंडल। डोर हैंडल लेकिन ये अभी वर्किंग नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, वो जल्दी लाएंगे कुछ ना कुछ। मड फ्लैप भी लगा इसके अंदर, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने इंस्टॉल करी है, मड फ्लैप हो गया, जैसे लोअर गार्निश। ठीक है, अपना रिप्लेसमेंट पार्ट होता है ये पेस्टिंग है, अगर जिस बाइक को अगर ये रिप्लेसमेंट करवाना है वो भी हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास क्वार्टर क्लास मिल जाएगा, बिल्कुल है। डोर वाइजर स्कॉर्पियो इनका आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट चीज आपको देखेगा पूरी गाड़ी में, अभी तक एक आगे की ABS गार्ड, दूसरी ये, अभी तक आपको दो सामान ABS, ये आफ्टर मार्केट देखने को मिलेगा। अब आते हैं बैक प्रोफाइल में। ठीक है, बैक से दिखाते हैं, बैक से जो चेंजेस करा हुआ हमने है कुछ, तो अब लग चुका है डिफॉगर इसके अंदर, दिखा कुछ, ये देख सकते हैं अभी अभी टेपिंग वगैरह डिफॉगर के साथ, और फुल वर्किंग है डिफॉगर। ग्लास भी देख सकते हो आप। ठीक है, महिंद्रा, कोई लोकल ग्लास नहीं, महिंद्रा, और ये टेप इसलिए चिपकाया गया क्योंकि अभी इसके पकड़ बना रहे। ठीक है, तो अभी न्यू ग्लास चेंज करा है तो टेप लगाना पड़ता है एक दो दिन के लिए, फिर उसके बाद ये टेप हट जाएगी सारी चीजें। तो एक फोर एक्सप्लोर का स्टिकर भी लगाना है, लगाता हूँ, है अपने पास। हाँ, मैं लग रहा है ये स्टिकर Z2 के अंदर फोर एक्सप्लोर। ठीक है, और कुछ लगा दिया, और कुछ लगा दूँ, और क्या है आपके पास? तो एक और स्टिकर कुछ लगने वाला है, ये अपना कहाँ लगेगा। ठीक है, ये भी है Z2 के अंदर एड्रिनॉक्स, मतलब बाहर से पता नहीं लगने दोगे अब, बिल्कुल नहीं लगने दूंगा अब, कहीं से पता नहीं लगेगा कौन सा मॉडल है, कंपनी वाले चकरा जाएगा देख करके। ठीक है, तो एक बार वाइपर की वर्किंग भी दिखा दो अब। तो ये अपना ऑटो कट वाइपर ऑन हो चुका है, ये अपना वॉशर। ठीक है, वाटर स्प्रेयर भी फुल वर्किंग में, बिल्कुल जो भी चीज़ होगा वो वर्किंग के अंदर होगा। हमारे पीछे थोड़ी सी लुक एनहेंस करने के लिए इधर रिफ्लेक्टर लाइट लगाया गया है। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट में आ जाता है, ये आफ्टर मार्केट चीज़ है, बस एक ये चीज़ आपको आफ्टर मार्केट दिखेगा, बाकी क्रोम आपको ओरिजिनल दिखेगा। ठीक है, साइड में बम्पर प्रोटेक्टर भी लगा है, ये भी ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल गार्ड लगाया गया है। पीछे जो हमें देख सकते हो हाइड्रो डिपिंग, ये पार्ट तो ओरिजिनल है पर इसके अंदर डिपिंग हमारे आफ्टर मार्केट किया जाता है अलग से। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लॉस अच्छा आता है। हाँ, हाइड्रो डिपिंग होते हैं। फोर एक्सप्लोर ये भी ओरिजिनल है। ठीक है, ये भी जेन्युइन महिंद्रा है। कैमरा हमारे ब्लोपंग के अंदर आता है, इसलिए आता है, ब्लोपंग के डालते हैं, महिंद्रा ओरिजिनल इसलिए नहीं डालते। जो भी भाई महिंद्रा का कैमरा लगवा के आता हो ना खुश हो उससे, क्योंकि उसकी एंगल बिल्कुल ज़मीन में आता है। ठीक है, आप किसी भी Z8 में देख लेना, इसकी एंगल 10 मीटर से ज़्यादा की नहीं होगा, हमारी इसकी व्यू बिल्कुल एंड एंड तक है, क्योंकि ये वाइड एंगल है, मतलब 0.5 में दिखाता है ये, वो 1x में दिखाता है, वाइड एंगल 170 एंगल के अंदर दिखाता है। साइड प्रोफाइल में एड्रोनेक्स ये अभी लगाया चामुंडा भैया ने, तो पता ही नहीं लगने दे रहे, ये लगने नहीं देंगे। धीरे में चलते हैं, तो अंदर हम लेकर के चलते हैं, और अंदर की क्वालिटी आपको देख करके अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना कि भाई काम एक नंबर हुआ है या फिर इसमें कुछ कमी रह गया, आप बताना जरूर कमेंट के अंदर। तो ये देख सकते हैं टोटली चेंज है, डोर पैनल कहीं से नहीं लग रहा Z2 का, ये सॉफ्ट टच है, ये तो एडिशनल में आ गया, एडिशनल में आ गया। ये हमारा पियानो ब्लैक OEM पार्ट है, टोटल स्विच के साथ है। ठीक है, ये इनर हैंडल हो गया, ये हमारा ग्रैब हैंडल हो गया,
हमारा ट्यूटर हो गया इधर, ठीक है। ये कटोरी हमने पेंट कर दिया थोड़ी सी लुक एनहेंस करने के लिए, ठीक है। इसको हमने पियानो ब्लैक, हाँ, ये ओईएम पार्ट को हमने पेंट किया क्योंकि टॉप मॉडल में भी ये नहीं आता पियानो ब्लैक, इसलिए इसे हमें डिप करना होता है। और आते हैं अब अंदर की तरफ, आप उधर से आकर के बार दिखाओ। तो हमने राइट साइड का डोर तो दिखा दिया, वैसे ही लेफ्ट साइड का दिखाते हैं। यहाँ पे भी आपको ये पियानो ब्लैक प्लेट और विंडो स्विच, ये भी पियानो ब्लैक मिलेगा। इनर हैंडल, ये सारी चीजें हमने वहीं दिखा दी थी, बिल्कुल। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो वाली अपनी वेलकम लाइट, जो ये फ्रंट टू में ही आती है, महिंद्रा एक्सेसरीज में आता है, तो फ्रंट टू डोर में ही आता है, फ्रंट टू डोर में आता है, ठीक है। पीछे नहीं, फुट मैट देखो आप हमने कौन से डाले, ठीक है। ट्रे मैट से जीएफएक्स का मैट, ठीक है। तो जेड टू के अंदर ऑप्शन नहीं आता था चढ़ने में, ये ग्रैब हैंडल दोनों तरफ डाला, तो ये अपने दोनों साइड मिल गए हमें, हाँ। तो और अंदर से क्या क्या करा अभी, अगर जिस किसी को अगर स्क्रीन पे ध्यान ना जाए तो फिर कोई कह नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से दिखाते हैं सबसे पहले ये रहा सिल्वर वाला जो हमने मॉर्निंग में दिखाया था, ब्लैक था ये, ब्लैक था, उसको भी वो भी ओईएम पार्ट है, ठीक है। पेंट नहीं है, ओईएम पार्ट है, ओईएम पार्ट है पूरा, महिंद्रा जेन्युइन रिप्लेसमेंट पार्ट है, ठीक है। ये देख सकते हो कंसोल, ठीक है। मैं महंगी चीज दिखा रहा था सबसे पहले, देख लो ये रहा अपना सोनी की ग्रिल, ठीक है। इसके अंदर हमने स्पीकर भी लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, सेंटर स्पीकर लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 150 वाट की एलईडी, देखो अंधेरा कितना है, इतनी लाइट होती है अपनी Z2 के अंदर, हाँ। तो इससे ज्यादा चाहिए तो 75 वाट ऑन हो गया, अब 75 वाट और, ठीक है। 150 वाट की एलईडी इसके अंदर भी इंस्टॉल होने लगी है। और सेंटर से बात करें तो सेंटर कंसोल अपना पियानो ब्लैक सॉफ्ट टच, और साथ ही आर्मरेस्ट हमने सॉफ्ट टच करा हुआ है। और सीट कवर्स तो जैसे हम दिखाई रहे थे, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, पहले हम जितने भी सीट कवर लगा रहे थे सब इसके सामने, अब जो आया क्वालिटी, धीरे धीरे हम टॉप मॉडल की तरफ कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। हमारी दिशा इस तरीके से है कि टॉप को कॉपी करो, बिल्कुल ये नहीं कि टॉप की तरह दिखाओ, बिल्कुल टॉप दिखना चाहिए, ठीक है। तो वही क्वालिटी देख सकते हैं, काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, जो पहले आ रहा था उससे भी ज्यादा अच्छा है ये, बहुत हद तक, बहुत ही हद तक, ठीक है। और वैसे पीछे की भी सीट्स दिखा देते हैं आपको, कहीं से आपको एक रिंकल्स भी दिख जाएगा, कहीं से कुछ भी दिख जाए बता दो, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से दिखा दो कैमरा के अंदर। पीछे एक बार पीछे वाली सीट से दिखाते हैं एक बार, तो ये पीछे की सीट रहने वाली है, तो ये कुछ क्वालिटी है अपने सीट कवर्स की, अगर कोई बोल दे कि अलग से सीट कवर लगा हुआ है, ठीक है, कहीं से भी पता नहीं लगेगा। थ्रेड भी देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है सारी चीजें। मैं कहता हूँ कोई मैं नहीं बोल सकता कि सीट कवर हमने अपर मार्केट अलग से लगाए हैं, ठीक है। तो आर्मरेस्ट चेक करते हैं इसका, तो ये रहा अपना आर्मरेस्ट, और फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी भी, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हो रखा है ये भी, तो यही मेन यहीं से पता लगता है, छोटी छोटी चीजें फिटिंग की। देखो जी ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हमारा कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है जो जैसे मर्जी हम काम कर दे, ये गाड़ी एक लग्जरी, हाँ ये गाड़ी जो है ना हमारा एक लग्जरी टाइप गाड़ी है, एक एक चीज को इसमें डिटेल में हमारे को देखा जाता है, एक एक चीज डिटेल में देखा जाता है कि कहीं से भी कमी हो ग्राहक एक मिनट में देख लेते हैं, अरे भैया कमी है, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये डिसेंट कस्टमर के पास गाड़ी होता है, स्कॉर्पियो एन गाड़ी डिसेंट कस्टमर के पास होता है, काम भी डिसेंट होना चाहिए। देखो जी पैसा तो खर्च होता है, 1000-2000 रुपये अगर आप महंगा काम करवा के अगर काम अच्छी ले लेते हो, तो क्योंकि गाड़ी तो आपको यूज करना है, ये तो है नहीं कि आप ड्राइवर को चलाने के लिए दे रखो, चलो यार 2000 रुपये कम भी हुआ तो चलो यार ड्राइवर ही नहीं तो चलाना है, आपको खुद चलाना है, कम से कम काम अच्छी करवाओ आप, ठीक है। जैसे ऑल ओवर इंडिया से हमें सब देख रहे हैं, और मुंबई से गाड़ी आया, मुंबई से गाड़ी आया, अगर इनको विश्वास है जब ही तो हमारे पास आया है, और कैबिनेट से गाड़ी सबसे बड़ी बात है, कैबिनेट से, ठीक है। तो एक बार सेंटर कंसोल भी दिखा देते हैं आप, हाँ दिखाओ, ये रहा अपना सेंटर कंसोल, ये भी पूरा पियानो ब्लैक करा हुआ है, तो ये वाला तो चेंज कर नहीं सकते, Z4 वाला तो लगा नहीं सकते, स्क्रीन लगा सकते हैं, क्या फायदा, वैसे फायदा नहीं है, तो यही लगा सकते हैं, इसमें एंड्रॉइड से स्विच कर, हाँ, सकते हैं। एक चीज इसमें लगाना मैं भूल गया, देखो जी हमारे तरफ से ये मिस्टेक हुआ है, ग्राहक की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं था, एक क्रोम लाइनिंग, टॉप मॉडल में एक क्रोम लाइनिंग आता है, एक चीज से मिसिंग हो गया मेरा, अभी मैं जब बैठा हूँ गाड़ी के अंदर कुछ कुछ अलग लग ही रहा था कि यहाँ से सिल्वर आता ना, इसमें यहाँ से स्टील क्रोम लाइनिंग आता है, मेरे से मिसिंग हो गया, भाई स्टॉक है ब्रो, ठीक है। किसी ने कमेंट नहीं करा अब तक, तो अब पता चल जाएगा कि नहीं, अभी मेरे को एकदम से ध्यान आया कि इसमें कुछ तो कमी है, यहाँ से दिख गया कमी, चलो बट कोई बात नहीं, अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम कुछ दिखाएंगे फिर अलग करके। हमारे देख सकते हो स्टीयरिंग बिल्कुल हमने ड्यूल टोन में करा हुआ है स्टिच, साथ ही साथ ये MID वर्किंग है, ठीक है। तो एक बार कंट्रोल करके दिखाते हैं, ये देखो तो अपना यहीं से कंट्रोल हो रहा है, पहले नीचे से होता था, हाँ।
ठीक है, अब स्टेयरिंग सही हो जाएगा, बस क्रूज नहीं चलेगा, क्रूज नहीं चलेगा। और ये हमारा पियानो ब्लैक, ठीक है, आज मीटर का फ्रेम भी हमने पियानो ब्लैक करा हुआ है, ठीक है, तो यही सारा काम करा था आज हमने। और साउंड सिस्टम तो मैंने दिखाई दिया था, इसमें कंपोनेंट, एम्पलीफायर, वूफर, डैम्पिंग सारा लगा है, ठीक है, वो सारा तो एक बार सुना भी देते हैं। हाँ सुना भी देते हैं एक बार, सारी चीज़ तो दिखा दी थी हमने, डिफॉगर का स्विच नहीं दिखाया तो, लेकिन डिफॉगर का स्विच देखो जी टॉप मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो फ्रेम आता है इसके अंदर आता है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें अगर ऑप्शन होता तो मैं उससे चालू कर देता। ये फ्रंट के रियर के तो इसमें है ही नहीं, और हम अलग से इसमें होल मार के लगा नहीं सकते, भद्दा लगेगा, और हमें इस गाड़ी के अंदर कहीं स्विच दिखना भी नहीं चाहिए। इस स्विच को मैं देखो बहुत बारीकी से इसके नीचे लगाए हुए, देखो ठीक है, यहाँ हमने एक डिफॉगर का एक लाइट ऑन करके दिखा दो आप, वैसे दिख रहा है अभी, ये वाला स्विच है अपना, यहाँ इंस्टॉल करा हुआ है हमने, तो ये एक चीज़ है कि हम कहीं से रह गए, क्योंकि इसमें सेंटर में ऑप्शन नहीं मिलता। अगर मैं टॉप मॉडल वाली ये लगाता हूँ स्क्रीन, तो फिर उसके बटन चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तब जाकर वो थोड़ा कॉस्ट में जाएगा भी, काफ़ी दिक्कत है, इतना चलाता कौन है उतना, तो चलो जी ठीक है, इतना तो चलता ही है। वैसे एक बार हेडलैम्प्स जलाना, अंदर से दिखाते कैसा रिस्पॉन्स है हेडलैम्प्स का, तो ये हेडलैम्प्स का कुछ रिस्पॉन्स है, Z8L से भी ज़्यादा पावरफुल रहती है LED, तो कस्टमर का भी फीडबैक लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, तो एक बार NCS का गाना प्ले करके दिखाते हैं हम, प्ले करो, प्ले करो, आउटपुट हमने आपको दिखा दिया, हेडफोन्स पहन के आप जस्टिस कर सकते हैं। तो इसमें जो बेस मिलता है चामुंडा भैया, वो थोड़ा कम ही मिलता है बेस एज कम्पेयर टू जब हम बॉक्स में लगाते हैं। नहीं, Z8 के मुकाबले तो ज़्यादा मिलता है, Z8 के हाँ कंपैरिजन में तो ज़्यादा मिलता है Z8, लेकिन अगर आप बॉक्स में लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। वो चीज़ हो गया, वो तो लाउडनेस के लिए, लाउडनेस के लिए, गाड़ी के अंदर एक डिसेंट, ठीक है, आपको पता ना चले कि वूफर है आपकी गाड़ी, और गाड़ी के अंदर एक म्यूजिक की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, इसीलिए होता है, ठीक है। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो N Z2 का काम कंप्लीट हो गया, सर की गाड़ी रहने वाली है। सर का नाम जानते हैं सबसे? आपका नाम क्या है? सलवार नाम। ठीक है, तो सर कैसे पता लगा आपको जे ऑटो के बारे में? यूट्यूब से देखा भाई, वीडियो देखी थी, वीडियो के थ्रू पता लगा, तो जैसा वीडियो में ये शो करते वैसे ही काम था। हाँ, आप जो सोच के आए थे मेरे को गाड़ी तैयार करवाना है, अच्छा, आप सोचे थे कि ऐसा तैयार होगा गाड़ी, है उससे अच्छा हुआ, सच्चे हो, एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, ठीक है। तो अगर एक रेटिंग की बात करूँ 10 में से, आप कितनी देंगे? 10 देगा। फुल मार्क्स? फुल मार्क्स, मतलब वर्थ रहा इतने दूर से ट्रैवल करके आना? हा? इतनी दूर से ट्रैवल करके आना वर्थ था? ना अच्छा हो गया, ठीक है। तो अगर दोबारा मौका मिले तो विजिट करोगे कभी? पक्का विजिट करेगा। आप अपने दोस्त यार में उधर सबको रेकमेंड करोगे? ठीक है, सो यही थी अपनी आज की वीडियो। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया के रिकमेंड वीडियो के लिए, इतनी अच्छी रहा, इतनी अच्छी इनकी फीडबैक रहा, आप लोगों को भी अगर इस तरीके से खुश होना है, काम के अच्छी तरीके से करवाना है, इनके तरफ खुश होकर जाना है, तो आपको जय ऑटो विजिट करना होगा। और जय ऑटो हमारी करोलबाग में भी शॉप है, और एक रामा रोड जय ऑटो है, तो जय ऑटो में आपको मोती नगर रामा रोड पे आना है, इस तरीके से काम चाहिए, तो ऐसे अगर आपको काम जल्दी करना है तो करोलबाग में भी हमारी शॉप है। बाकी तसल्ली पूर्वक काम चाहिए, जिस भाई को आपको आना होगा रामा रोड में, और भाई साहब की तरह गाड़ी के लाभ उठा कर जाओगे, इस तरीके से काम करवा कर जाओगे, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि नाराजगी तो 0/0 है, इतना खुश होकर जाओगे कि पूछो हिम्मत, वो तो भैया से आप पूछ सकते हो, बिल्कुल खुश हो आप। तो आज दो दिन अपनी गाड़ी यहीं पार्क रही थी, हाँ,
पार्किंग का कोई इशू भी नहीं है, आप अपनी शेल्टर के नीचे रहती है, पार्क बिल्कुल होती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिस भाई को भी वीडियो अच्छी लगी हो वो तो भाई शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब सबसे पहले करें क्योंकि सब्सक्राइब बहुत स्लो हो रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा तो हमारा हौसला और ज्यादा बनेगा, और हौसला जितना अच्छा बनता है काम उतना ज्यादा करने में मजा आता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले भाई साहब, ये बात के ध्यान रखता हूँ। ठीक है, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।